हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल भाग्यश्री टी। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में अगर हम गुड़ की चाय पीना शुरू करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो दोस्तों, ये चाय बनाते टाइम एक ट्विस्ट है, तो इसीलिए आप वीडियो स्किप मत कीजिए और अंत तक पूरा देखिए, तो आप समझ पाएंगे कि ये ट्विस्ट क्या है। चलिए हम गुड़ की चाय बनाना शुरू करते हैं। चाय बनाने के लिए हमने 2 कप पानी लिया है, कूटा हुआ अदरक लिया है, चाय पत्ती, और ये मैंने गुड़ बारीक करके लिया है। और अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते थे आप वो भी ले सकते हैं। तो हम अभी 2 कप पानी डालते हैं। अभी इस पानी को हम थोड़ा उबाल आने देते हैं। पानी में उबाल आना शुरू हुआ है, अभी हम इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालेंगे। उसी के साथ हम 1 चम्मच के कूटा हुआ अदरक डालेंगे। अभी हम चाय पत्ती का कलर आने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। आप देख सकते हैं एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और चाय का कलर भी अच्छे से आ गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। मैं इसमें 2 चम्मच गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। बट गुड़ का टेस्ट बहुत ही अच्छे से आता है चाय में। अभी हम गुड़ थोड़ा, मतलब गुड़ चाय में मिक्स होना चाहिए, पिघल जाना चाहिए, इसके लिए मैं चाय को हिलाती हूँ। दोस्तों, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि अगर हम गैस चालू है और उसमें दूध डालेंगे तो दूध फट जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि गुड़ की चाय बनाते टाइम हमारी चाय फट जाती है, दूध डालने के बाद खराब हो जाती है। तो हमें चाय बनने के बाद गैस का फ्लेम बंद करना है और उसको 10 से 15 सेकंड रुकना है, ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी वो नीचे बैठ जाए, और उसके बाद हम दूध डालेंगे तो चाय हमारी बहुत अच्छी बनेगी। अभी हम दोस्तों इसमें दूध ऐड करते हैं। दूध को मैंने पहले से ही गर्म करके लिया है। थोड़ा सा स्पून से हिला देंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं हमारी चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, और ये नहीं फटी है, क्योंकि हमने इसमें गैस बंद करने के बाद दूध डाला है। दोस्तों, बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडा मौसम है, और इस मौसम में मैं ये हेल्दी गुड़ की चाय पी रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप भी आपके घर में ये गुड़ की चाय बनाइए, पीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी चाय कैसी बनी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।